हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ चैप्टर 7 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये चैप्टर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को पता होगा कि न्यू सिलेबस आया है आप लोगों का, मतलब पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, रिवाइज्ड सिलेबस जिसे आप कह सकते हैं। मेरे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए कि चैप्टर से क्या रिमूव किए गए हैं, एज वेल एज ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन से किन चीज़ों को रिमूव किया गया है आपके सिलेबस से। इट मीन्स कि सिलेबस रिवाइज्ड हो गया। आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं द नेकलेस। ये बेसिकली 7th चैप्टर है, फूट प्रिंट्स विदाउट फिट। आपके दो बुक हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फूट प्रिंट्स विदाउट फिट। फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, उसके सभी क्वेश्चन आंसर और बुक एज वेल, तो आप उसे चेकआउट ज़रूर करिए। स्टार्ट करते हैं द नेकलेस। ये स्टोरी क्या है, एक इसका ओवरव्यू देखते हैं। मैटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। सी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। सी बोरोज़ अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लूजेज इट। वाट हैपन्स देन? क्या होता है कि मैटिल्डा एक लेडी है, वो ग्रैंड पार्टी के लिए इन्वाइटेड होती है, तो उसने अपनी फ्रेंड से एक ज्वेलरी उधार में ली होती है, क्योंकि उसके पास कपड़े तो होते हैं बट ज्वेलरी नहीं होते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा, लेडीज़ को, वेमेन को कितना शौक होता है ज्वेलरी का, तो इसलिए उसने बोरो किया था अपने फ्रेंड से। तो आगे क्या होता है देखते हैं, यहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। She was one of those pretty young lady who's born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, as she allowed herself to marry a petty clerk in the office of board of education. She was simple but she was unhappy. Kya hota hai कि मैटिल्डा की जो शादी होती है वो एक ऐसे घर में होती है जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होता, मतलब कि क्लर्क के घर में, एजुकेशन फील्ड में वो क्लर्क है, उससे उसकी शादी हो जाती है, जहाँ पर कोई दावड़ी नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ लव नहीं था, एक ऐसे इंसान से शादी हो जाती है। उसको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, वो बहुत सिंपल क्वाइट लाइफ जीती है बट वो खुश नहीं है, मतलब जो होता है ना खुशी वो नहीं होता है, इस चीज़ का उसे हमेशा अफसोस होता है। सी सफर्ड इंसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरी। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सैबी वॉल्स एंड द वॉन चेयर्स, ऑल दिस टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। मतलब क्या होता है कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसे लगता है कि उसकी लाइफ जो थी वो काफ़ी अच्छी हो सकती थी, लग्जरियस हो सकती थी, लेकिन वो अपने जब घर को देखती है, अपार्टमेंट को देखती है, तो वो काफ़ी गरीबी फील करती है। सैबी वॉल्स, वॉल्स का मतलब, सैबी वॉल्स मतलब एकदम टूटे फूटे पुराने दीवार जिसको कहते हैं। सैबी क्लॉथ्स यूज़ होता है वर्ल्ड में, जिसे कहते हैं गंदे कपड़े। वॉन चेयर्स मतलब एकदम पुराने ज़माने के जो चेयर्स थे उस तरह के यूज़ होते थे, तो उसे ये सब देख के काफ़ी खुद में बुरा फील होता है, वो टॉर्चर्ड फील करती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food servant, marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. क्या होता है कि वो जब अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने बैठती है, तो उसके हस्बैंड बहुत खुश हो जाते हैं खाना देके। चरिन का मतलब होता है वो जो आप जिसे कहते हैं एक हिंदी में जैसे डोंगा कहा जाता है शायद, वो खाना का कवर होता है जिसमें सूप रखा रहता है बंद करके, ढक्कन से ढका हुआ रहता है, तो वो देख के उसका हस्बैंड बहुत खुश हो जाता है। पॉट पाई का मतलब होता है खाना जो कि बंद बर्तन में हो, वो देख के खुश हो जाता है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि मेरा डिनर बहुत एलिगेंट हो, खूबसूरत हो, शाइनिंग सिल्वर चमकदार बर्तन में हो, एग्जीक्यूटिव फूड मतलब महंगे फूड हो, मार्वेलस डिशेस में हो, मतलब इन सब ख्याल में वो रहती है कि उसका खाना एकदम लग्जरियस हो। उसके पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना ज्वेलरी है, कुछ नहीं है, इसलिए वो बहुत चिड़ी छिड़ी सी रहती है। उसे इतना सिंपल खाना खाने की आदत नहीं है, वो बहुत लग्जरियस लाइफ को व्यू करती है। सी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट। सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। क्या होता है कि उसकी एक फ्रेंड रहती है जो कि बहुत अमीर रहती है,
स्कूल के टाइम की उसकी फ्रेंड है, उससे ये मिलने तो जाती है, लेकिन जब आती है तो बहुत निराश हो जाती है। मैटिल्डा निराश हो जाती है, डिस्पेयर मतलब निराश होना, डिसअपॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ से उब जाना, भटक जाती है, क्योंकि उसे बुरा लगता है कि उसकी फ्रेंड इतनी अमीर है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग हर हैंड अ लार्ज इनवेलप। एक दिन उसका हस्बैंड कहीं बाहर से आता है और उसके हाथ में बहुत खुशी से इनवेलप देता है, एक वो इनवेलप थमाता है। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, और यहाँ वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सी क्विकली ड्रीव आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दिस वर्ड्स, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम गॉर्ग रैम्प्यूने आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड एमी लॉजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। क्या होता है कि उसका हस्बैंड आता है, इसके हाथ में खुशी से थमाता है एक इनवेलप और बोलता है कि हम लोगों को इन्वाइट किया गया है कोई पार्टी में 18 जनवरी को मिनिस्टर के घर पर। इंस्टीड ऑफ बींग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग वॉट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद डैट। वो क्या करती है कि वो सोचता है कि बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे बाहर जाना घूमना फिरना पसंद है, लेकिन खुश होने के बजाय वो बहुत तेज़ी से उसे फेंक देती है इनविटेशन को टेबल पर और ज़ोर से बोलती है, मर्मरिंग का मतलब होता है बुदबुदाहट में बोलना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस यहाँ जाऊँगी, बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, एवरी वन विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मेनी आर given to employees, you will see the whole official world there. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that. वो बोलता है कि लेकिन तुम उदास क्यों होती हो, तुम्हें खुश होना चाहिए, इतना अच्छा मौका मिला है, बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिला है, वहाँ तुम पूरे कम्युनिटी को देखोगी, सारे ग्रुप्स को देखोगी, वो ऑफिशियल का मतलब वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं सभी आएंगे। ये चिढ़ कर बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास वहाँ पहन के चलने के लिए कुछ है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, ही स्टैम्बर्ड, वो लड़खड़ाते हुए रह जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं रहता, इस बारे में सोचता ही नहीं। वाई द ड्रेसेज यू वियर वेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। ही वॉज साइलेंट स्टुपिडिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, ही स्टैम्बर्ड व्हाट इज द मैटर व्हाट इज द मैटर। वो बहुत खुश होकर बोलता है वही कपड़े जो तुमने पहने थे जब हम लोग थिएटर मूवी देखने गए थे। वो बोलती है क्या वो मुझे अच्छे लगते हैं। वो फिर बोलता है आखिर बात क्या है बताओ। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. वो बोलती है कुछ नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो तुम वो बहुत उदास होकर फिर बोलती है, अपने आंसू को थामते हुए रोकते हुए बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अपने तुम किसी कलीग को ये इनविटेशन कार्ड दे दो जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा अच्छी हो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग डैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। वो बोलता है फिर उदास होकर बोलता है, मैटिल्डा तुम बताओ कि तुम्हें कितने कपड़े चाहिए, कॉस्ट्यूम कितने पैसे चाहिए, तुम्हारे कपड़े कितने पैसे में आ जाएंगे। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing it, with an immediate refusal and frightened exclamation for the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs out to cover it. वो hesitate करते हुए थोड़ा सा हिचकते हुए बोलती है कि accurate तो मुझे नहीं पता, लेकिन 400 francs में मेरे कपड़े आ जाएंगे। इस term को याद रखिएगा, 400 francs आपके question में पूछे जा सकते हैं कितने demand हुए थे। फ्रैंक्स बेसिकली स्विस का करेंसी होता है। वन फ्रैंक्स इज इक्वल टू आई थिंक 79.90 अप्रॉक्स रुपीज़ में चेंज होता है, जैसे डॉलर होता है अमेरिकन वैल्यू, तो उस तरह से ये भी चेंज होता है फ्रैंक्स को इंडियन में, तो ये स्विस का करेंसी है। ही टर्नड अ लिटिल पेल, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन डैट ही माइट एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। नेवर द लेस ही आंसर्ड, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 francs बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस। उसने बहुत दुखी स्वर में बोला, उसने पैसे जमा करे थे एक गन खरीदने के लिए जिससे वो अगले बार गर्मियों की छुट्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ शूटिंग करने जाए एनिमल्स का, लेकिन बोलता है ठीक है 400 francs मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन खूबसूरत कपड़े खरीदना।
The day of the ball approached and Mimi Lozell seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब क्या होता है कि पार्टी में जाने के लिए कपड़े तो रेडी हैं लेकिन फिर भी वो अफसोस कर रही है, तो उसका हस्बैंड बोलते हैं तुम 2-3 दिन से बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो, आखिर बात क्या है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बॉल वर्ड यूज़ हुआ है। बॉल का मतलब होता है कपल को जहाँ पर डांस फंक्शन के लिए इन्वाइट किया जाता है, डांस पार्टी के लिए, उसे बॉल कहते हैं। And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I have such a poverty stricken look. I would prefer not to go to this party." इस टर्म को याद रखिएगा, poverty stricken look। कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर में रिलेट करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स को पिक करा करिए जो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये कुछ इम्फैटिक हो सकता है आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो जैसे poverty stricken look, तो वो चिढ़ के बोलती है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, ये फिर से गरीब का निशानी सो करेगा, मैं पार्टी में अच्छी नहीं लगूंगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सेशन सीजन, दे विल लुक वेरी चाइक। चाइक का मतलब होता है बहुत एलिगेंट लगना। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम पार्टी में चलने के लिए नेचुरल फूल के माला पहन लो, वो बहुत खूबसूरत दिखेगा, एलिगेंट दिखेगा। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो सी रिप्लाइड, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वीमेन। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाउंड योर फ्रेंड मेमे फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू सी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। द नेक्स्ट डे सी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स आउट एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। एम ए फ्रॉस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose my dear." She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" Uska husband bolta hai, "Ye sab chhodo, अगर तुम्हें नेचुरल फ्लावर्स नहीं पहनना है ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड मेमे फ्रॉस्टियर के घर चली जाओ, कोई ज्वेलरी उधार ले लो." तो ये सोचती है अरे मुझे तो ये आइडिया आया ही नहीं। वह वहाँ जाती है, उससे गहने निकलवाती है, वो निकाल के देती भी है ये, लेकिन एक के बाद दूसरी मांग रही होती है कि क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए और कुछ नहीं है। "Why yes, look for yourself, I do not know what will please you." Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, "Could you lend me this, only this?" "Why yes, certainly." वो बोलती है, उसकी दोस्त बोलती है फ्रॉस्टियर कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें कौन से ज्वेलरी अच्छे लगेंगे, जो अच्छे लगे वो तुम ले लो। तो ये खुद से जाके देखती है, इसे ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक ज्वेलरी पसंद आती है डायमंड की, वो उसे ले लेती है। उसके हाथ तो थरथरा रहे होते हैं, ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है हाथ कांपना जब उसे छू रही होती है डायमंड के ज्वेलरी को, क्योंकि पुअर के लिए एक रिच के गहना वो भी इतना हैवी अमाउंट का थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, बट वो फिर भी उसे ले लेती है। बोलती, "क्या मैं उसे उधार ले सकती हूँ?" तो उसकी फ्रेंड बोलती है, "बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बस और ले लो." She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. The day of the ball arrived. अब दिन आ जाता है वो जब हाँ फंक्शन में जाना होता है। Emma Lozell and was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. पार्टी का दिन आ जाता है, लॉजियल जो थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, सबसे खूबसूरत लग रही थी, सभी लोग उनको नोटिस कर रहे थे, सब उनका नाम पूछ रहे थे, उनके साथ डांस करना चाहते थे। सी डांस्ड विथ एंथुसियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लीजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। बहुत खुशी से सबके साथ वो डांस कर रही थी, व्यवहार कर रही थी। सी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट विथ हर अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वेर एंजॉयिंग देमसेल्फ वेरी मच। वो 4 बजे भोर में अपने 4 बजे सुबह में अपने घर की ओर जाती हैं, उनके हस्बैंड जो होते हैं वो आधे नींद में ही रहते हैं और वो सैलून्स में रात भर वहाँ पर रहते हैं जितना देर वो लोग वाइफ लोग जो थी वो लोग वहाँ पर पार्टी में इंजॉय कर रहे थे। ये था पार्ट 1 इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट 2 वो जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।